पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुरादाबाद देहात के समाजवादी विधायक से 10 लाख रुपए की रंगदारी मामले ने हड़कंप मचा दिया है। विधायक की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। मुरादाबाद देहात से समाजवादी पार्टी के विधायक हाजी इकराम कुरैशी ने एक शाहनवाज नाम के व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराते हुए आरोपी के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। दरअसल मामला का पटाक्षेप उस समय हुआ जब सपा विधायक हाजी इकराम कुरैशी एक तहरीर लेकर एसएसपी के पास पहुंच गए और शाहनवाज नाम के व्यक्ति पर आरोप लगाते हुए कहा उस व्यक्ति के द्वारा उन्हें लंबे समय से ब्लैकमेल किया जा रहा है। आरोपी पहले उनसे एक मदरसा चलाने के एवज में 2 लाख रुपए ले चुका है और पिछले कई दिनों से फिर एक फर्जी अस्पताल बनाने के नाम पर 10 लाख रुपए की मांग कर रहा है और उन्हें बदनाम करने की धमकी भी दे रहा है। आरोपी उनकी विधायक निधि से पैसे देने की बात पर अड़ा हुआ है, जिसके चलते आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। इस सब के बावजूद आरोपी शाहनवाज ने अपनी सफाई देते हुए कहा है कि उसके खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया है। मेरा नाम शाहनवाज अहमद खान, पत्रकार हूँ मैं, मुरादाबाद जिले मुरादाबाद में। ये एक मुरादाबाद समाजवादी पार्टी में यहाँ कई फाड़ बने हुए हैं, आपस में बहुत गुटबाजी है। उसके ऊपर मैंने एक अपने 29 अप्रैल के अखबार में अपने एक लेख लिखा था कि मुरादाबाद में लोकसभा सीट 6 पर अरिश्ता क्यों, इसके ऊपर उन्होंने आपत्ति जताई, मुझे धमकी दी, मेरे पास 3-4 बार फ़ोन किया विभिन्न नंबरों से कि आप ये लेख मत लिखो, यहाँ गुटबाजी कोई नहीं है। जो कि हकीकत यह है कि गुटबाजी बहुत है यहाँ पर, एक दूसरे की टांग खींचते हैं। उस पर मैंने ध्यान नहीं दिया तो उन्होंने मेरे विरुद्ध एक झूठा मुकदमा कायम करा दिया, जिसका कोई मेरे से कोई संबंध नहीं, मेरा कोई लेन देन नहीं है। मदरसे के नाम पर आप? नहीं, मेरा कोई मदरसा ही नहीं है, ना मेरा मदरसा ना मेरा कोई स्कूल है। मैं तो एक समाज सेवी आदमी हूँ, मेरी एक संस्था, मैं स्कूल के बच्चों का काम करता हूँ और निःशुल्क स्वास्थ्य जाँच कैंप लगाता हूँ। उसकी जानकारी प्रशासन को, डीएम साहब को है, डीएम साहब ने मुझे 2 बार सम्मानित भी किया बधाई पत्र दे करके। मेरा कोई ऐसा कारोबार नहीं है जिससे कि मैं लोगों को धमकाऊं या किसी से कोई नजायज काम करूं। मैं समाज से भी मैं निःशुल्क काम करता हूं। ये एक कोई शाहनवाज नाम के सज्जन हैं, देखने भालने में बड़े भले से लगते थे। आज से 6 महीने पहले मेरे पास आए, मुझसे उन्होंने कहा कि मेरा करूले पर स्कूल चलता है और गरीबों का फ्री इलाज कराता हूँ, गरीबों की फ्री पढ़ाई कराता हूँ, यकीन से और अपने आप इकट्ठा करके इनको 2 लाख रुपए दे दिए। अब ये 1 महीना से मुझसे 10 लाख रुपए मेरी विधायक निधि से मांगना चाहते हैं। 1 महीने से मेरे ऊपर प्रेशर बनाते थे कि 10 लाख रुपए आपकी विधायक निधि से हमारे मदरसे को चाहिए। हमने जब मदरसे की जाँच की तो मदरसा कागजों पर है, हॉस्पिटल कागजों पर है और बहुत सी बैंकों से डिफाल्टर है, कई बैंकों से आरसी कटी हुई है। हमने 10 लाख रुपए देने से जब इनकार किया, निधि हमारा अधिकार नहीं होता, निधि जो है वो क्षेत्र की जनता का अधिकार है, हम निधि कभी स्कूलों को नहीं देते, मदरसों को नहीं देते, ये जब हमने उनसे सख्ती से मना कर दिया तो उन्होंने हमको टॉर्चर करना शुरू कर दिया, जिसकी हमने एक तहरीर थाने को दी है। बाकी आप थाने से मालूम कर लीजिए क्या धारा बनी, क्या धारा बनती है। अपने आप को पत्रकार बताता है लेकिन पता ये चला कि साल में एक बार एक अखबार छापता है।